हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज करेंट अफेयर्स MCQ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे लेकर हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कुछ करेंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस पहले किस संस्था से के द्वारा आयोजित किया जाता है उसको पहले जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसे याद रखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, इसीलिए मनाया जाता है 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस। यानी वैश्विक खाद्य के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है उसे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। याद रखेंगे, 16 अक्टूबर को खाद्य एवं कृषि संगठन की भी स्थापना हुई थी, यानी इसको कहते हैं FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसी के वर्षगांठ पर, यानी 16 अक्टूबर को, इसी 75वीं वर्षगांठ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपया का एक स्मारक सिक्का जारी किया था। किसके सम्मान में, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 75 रुपया का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया इसकी 75वीं वर्षगांठ पर। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, तो इसको भी 24 अक्टूबर 2020 में इसकी भी 75वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। कब, तो 24 अक्टूबर 2020 को, तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है आपको, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है हमारे APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ। उनके 79वीं वर्षगांठ पर UNO के द्वारा 2010 से आपको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, यानी APJ अब्दुल कलाम आजाद के। APJ अब्दुल कलाम आजाद हैं जो भारतीय स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किए, जैसे अग्नि मिसाइल हो या पृथ्वी मिसाइल हो या 1998 में परमाणु परीक्षण हो, ये सब उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। अतः इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हो गई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रामेश्वर में हुआ था आपको 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में, तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए, और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाते हैं, और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक समलेट स्थापित किया जाएगा, यानी बहुत बड़ा जिंक उत्पादन करने के लिए सबसे बड़ी एक फैक्ट्री लगाई जाएगी, कहाँ, तो गुजरात में लगाई जाएगी। ये वेदांत जो संस्थान है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा आपको, लिमिटेड के द्वारा यह स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो आपको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिवर्ष 300 किलो, ये प्रतिवर्ष 300 किलो किलो टन जिंक का उत्पादन करेगा, जिंक का उत्पादन करेगा कौन,
तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा उत्पादित किया जाएगा कहां पे, गुजरात में। तो आइए गुजरात से कुछ संबंधित प्रश्न है या याद रखेंगे। अभी हाल ही में यहां डिजिटल सेवा सेतु ऐप लॉन्च किया गया था, खासकर ग्रामीण इलाकों को डिजिटल बनाने के लिए। और यहीं पर एक करेंट पार्ट और याद रखेंगे, यहां पर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया। और याद रखेंगे देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा, तो गुजरात में ही बनाया जाएगा। और देश का पहली बार समुद्री विमान सेवा की शुरुआत कहां होगा, गुजरात में ही होगा 31 अक्टूबर को यानी 2020 को। तो एक पॉइंट को याद रखेंगे, हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में आपको पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने वाला राज्य है आपको हरियाणा, जबकि राजस्थान सरकार को एशियाई विकास बैंक के द्वारा $300 मिलियन ऋण दिया गया, खासकर 14 शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए। जबकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, वहां से वहां के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया गया है कहां, उत्तराखंड में। और हाल ही पर यहां पिरुल बिजली परियोजना की भी शुरुआत किया गया था उत्तराखंड में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कहने का मतलब जब रेड लाइट जल रही है तो गाड़ी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इस अभियान की शुरुआत किया गया, यानी कहने का मतलब प्रदूषण को बचाने के लिए। ऐसे देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जहां ट्रैफिक पर रेड सिग्नल जलने के बावजूद जहां गाड़ी रोकना है तो गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कि पीछे वाला को लगेगा कि ये अपने गाड़ी बंद कर दिया, यानी कहने का मतलब कंजूस है, ऐसे लोग को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज आप बचाइएगा तो आने वाले भविष्य के लिए फायदेमंद होता है। और खासकर इतने देर गाड़ी बंद करते हैं तो कुछ तो तेल का भी बचत होगा और प्रदूषण का भी बचत होगा, यानी इसीलिए हमारे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक ये भी अभियान शुरू किया गया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी जब रेड लाइट यानी सिग्नल लाल जल रही है तो गाड़ी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इसकी भी अभियान शुरू किया गया। अभी हाल ही में प्रदूषण को रोकने के लिए बैटरी संचालित वाहन के रोड टैक्स कम कर दिया गया है कहां, दिल्ली में। क्यों, क्योंकि प्रदूषण को रोकने के लिए। और साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया है, ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली सरकार के द्वारा पौधारोपण नीति लागू किया गया है, यानी ट्री प्लांट पॉलिसी लागू किया गया है दिल्ली सरकार के लिए, कि अगर किसी संस्थान के द्वारा पौधा काटा जाता है तो उतना पौधा उसका 80% उसको पौधा लगाना है, संरक्षण करना, ये सब पर्यावरण के लिए ही चलाया जा रहा है कहां, दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये भी याद रखेंगे दिल्ली सरकार ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की भी शुरुआत कहां किया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली के सीएम है आपके अरविंद केजरीवाल और यहां के उपराज्यपाल है अनिल बैजल, तो इसको भी याद रखेंगे। अब है जिसे गोवा है, तो गोवा से याद रखेंगे, गोवा देश का पहला राज्य है जो हर घर जल पहुंचाने वाला, यानी हर घर जल पहुंचाने वाला, हर घर जल पहुंचाने वाला, हर घर जल पहुंचाने वाला ये पहला राज्य कौन है, वो गोवा है। कौन है, गोवा सरकार है। अभी हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए डिस्ट्रॉय YouTube चैनल लॉन्च किया गया था गोवा सरकार के द्वारा। अब इन गोवा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंडियन पोस्टल बैंक से क्या किया था आपको, समझौता किया था, कौन, गोवा सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे उड़ीसा सरकार के द्वारा भी हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत किया गया था, यानी याद रखेंगे सुजल ड्रिंक फ्रॉम
कैप मिशन, ये लॉन्च किया गया था आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा के जो हमारे सीएम है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा शुरू किया गया सुजल ड्रिंक फॉर्म टैप मिशन। और इस मिशन का लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2022 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इसी का नाम है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। इसमें क्या किया जाएगा तो मार्च 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर तक हम जल पहुंचाएंगे, जबकि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य है कि हर घर तक हम जल पहुंचाएंगे वो नल के माध्यम से 2024 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे उड़ीसा के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है 2022, तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फल और सब्जियों के बिक्री की दुलाई पर कितना प्रतिशत सब्सिडी देगा, यानी सब्सिडी यानी छूट देगा, वो 50% छूट देगा। अब रहा बात किसान रेल, तो किसान रेल से याद रखेंगे, किसान रेल जो पहली बार चलेगी थी वो नासिक से दानापुर के बीच चलाई गई थी, नासिक से दानापुर के बीच चलाई गई थी। लेकिन दक्षिण भारत में पूछे, दक्षिण भारत में तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई थी पहली बार किसान रेल। क्या लगाई चलाई गई थी? किसान रेल चलाई गई थी पहली बार आपको नासिक से दानापुर यानी बिहार में, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई थी दूसरी किसान रेल। ये पहली है दक्षिण भारत के लिए, और किसानों के लिए इसमें 50% यानी अपने फल और सब्जियों को उस ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकता है, उसमें 50% डिस्काउंट कर दिया जाएगा यात्रा शुल्क में। यह भी याद रखेंगे फल एवं सब्जियों के जैविक बिक्री केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे फल एवं सब्जी के जैविक बिक्री केंद्र, तो फल एवं सब्जियों के जैविक बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है श्रीनगर में। कहां स्थापित किया गया है? श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वहीं पर फल एवं सब्जियों के जैविक बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है, कहां? श्रीनगर। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, और याद रखेंगे हमारे असम सरकार के द्वारा, यानी असम के हमारे सीएम है सर्वानंद सोनोवाल, उनके द्वारा फल एवं सब्जियों को बेचने के लिए, किसानों को बेचने के लिए मोबाइल रथ ऐप लॉन्च किए थे। क्या लॉन्च किए थे? मोबाइल रथ किसान ऐप लॉन्च किए थे। कौन? हमको सर्वानंद सोनोवाल जो असम के सीएम है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, यानी HDFC बैंक है अपने ग्राहकों के लिए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। और HDFC बैंक का स्थापना हुआ था 1994 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां है? मुंबई में। और इसके MD और CEO शशिधर जगदीश है। MD कहने का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? शशिधर जगदीश। कौन है? शशिधर जगदीश है, तो इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है, वह देश जिसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहने का मतलब ऊर्जा आधारित है, यानी क्या है? ऊर्जा आधारित एक गठबंधन किया गया, ऊर्जा आधारित एक गठबंधन किया गया, यानी सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, तो ऊर्जा आधारित एक गठबंधन किया गया ये 2015 में। कब किया गया? 2015 में किया गया। इसमें भारत एवं फ्रांस ने मिलकर किया 2015 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी कहां किया? पेरिस में किया 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
का स्थापना कहां किया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया, जबकि इसका सचिवालय जो है वो भारत के गुड़गांव में है। सचिवालय कहां है? भारत के गुड़गांव में। अभी इसमें 121 सदस्य देश हैं, इसमें कितने हैं? 121 सदस्य देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। इसमें मेन भूमिका निभाई थी भारत, तो इसलिए भारत को 2020 में इसको अध्यक्षता मिला है दो वर्ष के लिए। दो वर्ष की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा 2020 में। इसके बाद दो वर्षों तक यानी 22 तक अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेंगे, जबकि सह अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष के रूप में आपको फ्रांस को चुना गया है। किसको चुना गया? फ्रांस को चुना गया, यानी दूसरा सहयोगी फ्रांस था। वर्तमान में इसमें 121 देश है, यानी इसमें मेंबर कितने हैं? 121 देश इसमें मेंबर है, तो इसको याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो ऊर्जा आधारित एक गठबंधन है, यानी ऊर्जा उत्पादन कैसे किया जाए सौर से, इसी के ऊपर आधारित एक गठबंधन बनाया गया है 2015 में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 33% आरक्षण कर दिया, यानी जितने भी सरकारी नौकरी होगी उसमें 33% रिजर्वेशन दे दिया गया महिलाओं के लिए। ऐसे बिहार में तो जानते हैं 35% हमारे बिहार सरकार भी दिया है, और पंचायती राज में 50%, और हरियाणा भी अपनी यहाँ पंचायती राज में 50% दिया। तो हरियाणा का पड़ोसी जो है पंजाब सरकार ने यहाँ के सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने घोषणा किया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कितना प्रतिशत? तो 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है, जबकि बिहार सरकार अपने सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण क्या है? महिला आरक्षण 35% दिया है, यानी हमारे सरकारी नौकरी में महिलाओं का आरक्षण बिहार सरकार कितना दिया है? तो 35% दिया है, इसको याद रखेंगे। ये कितना परसेंट दिया? 33%। हरियाणा हो या बिहार, हरियाणा भी अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, और बिहार सरकार भी अपने यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि वर्ष 2020 के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किस देश के बैंक को दिया गया? तो घाना का जो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ घाना, उसी को दिया गया। घाना जो देश है वो पश्चिमी अफ्रीका महादेश का एक छोटा सा देश है। घाना क्या है? घाना, जिसकी राजधानी क्या है? अकरा। राजधानी कहाँ है? अकरा। इसी को ये दिया गया है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है यानी गवर्नर है उनको गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, यानी गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। किनको? इनको दिया गया है। तो इनका नाम पूछ दे तो क्या नाम है? तो मार्क कोनी नाम है। क्या नाम है? मार्क कोनी। यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है जिनका नाम है मार्क कोनी, उन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया है, जबकि सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है घाना के बैंक को। यानी घाना जो पश्चिमी अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? अकरा, उसे दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि किस केंद्रीय बैंक ने थैलेसेमिया बाल सेवा योजना लॉन्च किया, योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया? तो थैलेसेमिया बीमारी है, इस थैलेसेमिया बीमारी में बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है, जिसमें आपको बोन मैरो ट्रांसप्लेट किया जाता है, यानी परिवर्तन किया जाता है। बोन मैरो कहने का मतलब अस्थि मज्जा को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। क्या होता है? बहुत पैसा खर्चा होता है। इसी के लिए वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसके दूसरे चरण को लॉन्च किया गया, खासकर थैलेसेमिया बाल सेवा योजना लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे देश के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। याद रखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्री है। याद रखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है हमारे, उनका नाम है आपको डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हीं के द्वारा ये जारी किया गया। अब ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को याद रखेंगे, ये पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर विकास मंत्री मंत्री कमा परमाणु ऊर्जा विभाग कमा अंतरिक्ष विभाग कमा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। ये क्या है? राज्य मंत्री हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत मंत्रालय इनके पास है इसलिए इनको याद रखें, खासकर यूनिक हो जाता है, दिमाग पे नहीं रहता है, एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको याद रखेंगे। अब है नरेंद्र सिंह तोमर, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं आपको नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में, जब संसद सत्र शुरू हुआ था 14 सितंबर से 24 सितंबर के बीच चला था, उसी में जो कृषि बिल आया था वो इसी ने द्वारा, इन्हीं के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि आने अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। SSC का एग्जाम चल रहा है अभी, तो यहाँ पूछा भी है कृषि बिल, तो ये आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। जबकि हमारे पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री है, रेल मंत्री के अलावा वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, और हमारे खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वित्त मंत्री भी कौन है? यही है, क्योंकि रामविलास पासवान जो थे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जो थे वो, उनके निधन के बाद इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। किन को? पीयूष गोयल को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह यानी क्वाड ग्रुप के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया कि उसमें जोड़ा जाए, समान विचारधारा वाला। तो क्वाड ग्रुप जो है वो चार देशों का एक समूह है। 2007 में जब हमारे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, क्या थे? शिंजो आबे थे, उन्हीं के पहल पर खासकर चाइना को बढ़ते हुए अपने दक्षिणी चीन सागर में चाइना को बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए इस क्वाड समूह को बनाने की चर्चा शुरू किए गए थे शिंजो आबे के द्वारा, जो जापान के प्रधानमंत्री थे 2007 में। इस क्वाड ग्रुप में चार देश हैं, इस क्वाड ग्रुप में कौन कौन है? चार देश हैं, जिसमें आपको जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत। ये चार देशों का समूह है क्वाड समूह। याद रखेंगे क्वाड समूह में कितना देश है? तो चार देश है। अभी हाल ही में क्वाड समूह का विदेश मंत्रियों को एक मीटिंग हुई थी जापान में, कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी, और कहा गया है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के विदेश मंत्री यानी उप विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया है कि इसमें जो भी मेरे जैसे विचारधारा यानी हम लोग जिस तरह चाइना से परेशान है, वैसे देश जो हम लोग से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है इस क्वाड ग्रुप में। इसे जोड़ने के लिए एक समान विचारधारा यानी मेरे जैसा हो उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा मेरा अमेरिका। अब प्रश्न पूछेगा इस क्वाड समूह को बनाने की शुरुआत किसने किसके द्वारा किया गया? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा, और भारत सरकार के भी इसमें अहम योगदान था कि भारत से चाइना भी परेशान है, जापान भी परेशान है, और ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ मिलकर है, और अमेरिका तो है ही है। तो इस तरह ये क्वाड समूह बनाया गया और समान विचारधाराओं को आगे जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक जरूर करो, शेयर करो दोस्तों को कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।